ये जो इंद्रियां है ना, ये मुझे अपने इशारों पर नचाती है। ये मन, ये बड़ा चंचल है। मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। बाबा तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठ ते ही भज, छाड़ कपट जंजा। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐ सठ मन, छोड़ दे संसार को, कपट जंजाल को छोड़ करके तू उसका नाम भज, उसका नाम ले। इस मन को साधु महापुरुषों की खूब गालियां पड़ी हैं, पर फिर भी नहीं समझता, फिर भी नहीं मानता, अपनी मर्जी से चलता है, अपनी मर्जी से सबको नचाता है। कई लोग कहते हैं ना, आज हमारा ये खाने का मन नहीं है, यहां जाने का मन नहीं है, मतलब सारी जो बीमारी ये मन की है। मन जो कह रहा है वही हम करते हैं, लेकिन अगर वही मन के स्थान पर आत्मा की हमने जिस दिन माननी शुरू कर दी, तो मन जीव के इशारे पर नाचना शुरू हो जाता है। कोई भी महापुरुष होता है उसको गोस्वामी कहा जाता है, सुखदेव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। गोस्वामी का मतलब जो गौ कहते हैं इंद्रियों को, जो अपनी इंद्रियों को अपने इशारों पर नचाता है, इंद्रियां जिनके इशारों पर नाचती हूं। देखिए, एक छोटा सा बालक कहीं बाजार से अपने पिता के साथ निकल के जा रहा है, तभी मार्ग में एक व्यक्ति को 5 पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे हैं। एक चोर है बीच में और 5 उसके पास में पुलिस वाले हैं, उसको पकड़ के ले जा रहे हैं। तो बालक ने पूछा कि ये कौन है, तो पिताजी ने कहा ये बहुत बड़ा चोर है, इसको अभी अभी पकड़ा गया, इसलिए इसको पुलिस इसको जेल ले जा रही है पकड़ के। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़े, आगे एक और आदमी जा रहा है जिसके आसपास 5 पुलिस वाले चल रहे हैं। तो बालक ने फिर से पूछा, क्या पिताजी ये भी चोर है? बोले, नाना बेटा ये चोर नहीं, ये तो शहर का बड़ा प्रतिष्ठित आदमी, ये 5 इसके गार्ड हैं, बहुत बड़े नेताजी हैं, ये इसकी सुरक्षा में। अब 5 पुलिस वाले वहाँ भी थे, 5 पुलिस वाले यहाँ भी हैं, फर्क इतना है वो चोर उनका गुलाम था और यहाँ ये 5 इसके इशारे पर काम करते, जैसा नेताजी कहते वैसा करें। वैसे ये 5 इंद्रियां हैं हमारी, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। जो संसारी होता है वो चोर के जैसे इनका गुलाम, इंद्रियां जो कहती है वैसा करता है, लेकिन जो स्वामी होता है इंद्रियों का, उनके इशारों पर ये इंद्रियां नाचती है। अब आप कहेंगे, जी ये बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, पर ऐसा कौन है जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हो? बात बिल्कुल सही है, हम सब तो उस स्थिति पर न जाने कब पहुंचेंगे कि इंद्रियां हमारे इशारों पर नाचे, पर एक काम हो सकता है कि इंद्रियों को जैसा नचाना है करने दीजिए, बस एक काम करिए, इंद्रियों को हल्का सा संसार की ओर से मोड़ के थोड़ा भगवान की ओर मोड़ दीजिए। कैसे? आज आपकी रसना कह रही है, ये जो रसेंद्रिया ये कह रही है आज पिज्जा खाया जाए, आज मन कर रहा है कि आज बढ़िया चकाचक माल मिल जाए कुछ खाने को, अब क्या करोगे? अब इसने तो कह दिया, अब आपको माननी पड़ेगी इसकी, क्या करना है? बोले खाना है, लेकिन बस अपनी इंद्री को ये कह दो कि पिज्जा खा तो रहे पर तेरे लिए नहीं खा रहे, आज हम अपने ठाकुर जी को पिज्जा खिलाएंगे, उनको खिलाएंगे, उनका भोग लगाएंगे, जो उनसे प्रसाद बचेगा वो हम खा लेंगे। अब
खाना तो आपकी है, इच्छा तो आपकी पूरी हो रही है, लेकिन करना क्या, उसको भगवान से जोड़ दीजिए कि प्रभु आप खाइए, आप ग्रहण करिए, ये आपके लिए है, जो बचेगा वो हम ग्रहण कर लेंगे। अच्छा कपड़ा पहनना है, पहले भगवान को समर्पित कर दीजिए। अच्छा बंगला चाहिए, वो भगवान को समर्पित कर दीजिए। जो कुछ है भगवान को दीजिए और फिर उनका प्रसाद समझ के ग्रहण करिए। तो चलना भी भक्ति बन जाएगा, घूमना भी भक्ति बन जाएगा, खाना भी भक्ति बन जाएगा।